नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया दैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों तो आज दोस्तों हम बात करेंगे सभी किसान भाइयों के साथ आलू के बारे में, कहां कहां बारिश हो रही है और कहां कहां बारिश से हरी सब्जी में भयंकर नुकसान हुआ है। और हम दोस्तों बात करेंगे कि कहां आलू किस रेट में बिक्री हो रही है कोल्ड स्टोरों पर और मंडियों को भी भाव बताऊंगा। तो आज का वीडियो फटाफट शुरू करता हूं, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाता है और कुछ लोग शिकायत करने लगते हैं। अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को कड़े शब्दों में समझा देता हूं कि जैसे कभी हम फेसबुक पर कल हमने एक पोस्ट डाली तो हमारे टूंडला में श्री जी कोल्ड स्टोर है, अजीत जैन उसके मालिक है कोल्ड स्टोर के। तो उस कोल्ड स्टोर पर दोस्तों पर्ची आई मेरे पास और किसान ने जिनने आलू बिक्री की थी उनका मेरे पास उन्होंने पर्ची भेजी कि शर्मा जी मैंने अपना आलू 625 रुपये का बेचा है, 52 किलो, 500 ग्राम वजन। अब हमारे यहाँ क्या है दोस्तों, ज़्यादातर कोल्ड स्टोरों में आलू बिक रहे हैं वही 550 रुपये बढ़िया आलू, जो VVIP आलू हैं। अब उस ठीक है, या 560 बिक जाए, 570 बिक जाए, तो जिनके कोल्ड स्टोरों में 50 रुपये का अंतर आ रहा है बिक्री में, भाई वो भी कोल्ड स्टोर चला रहे हैं। और जो जिन लोगों के 50 रुपये सस्ता बिक रहा है वो भी कोल्ड स्टोर चला रहे हैं। तो भाई क्या, अब आप समझ सकते हो कि गड़बड़ कहाँ चल रही है। ठीक है, या तो उनकी मंशा नहीं है कि किसान का आलू महंगा बिके जिन लोगों के यहाँ सस्ता बिक रहा है। क्वालिटी दोस्तों ऐसा नहीं होता कि उनके कोल्ड स्टोर में ऐसी क्वालिटी निकली तो दूसरे कोल्ड स्टोर में किसी में नहीं निकलेगी ऐसी क्वालिटी। तो भाई 50 रुपये का अंतर है, बहुत से किसानों की शर्मा जी उस कोल्ड स्टोर में आलू इतना अच्छा रेट कैसे बिक रहा है। मैंने भाई मेरा काम पर्ची आप लोगों को डाली, मैंने इसीलिए डाली है आप लोग कम से कम देखें कि हाँ आलू की बिक्री ये रेट होनी चाहिए, क्योंकि अगर उस व्यापारी ने वहाँ आलू खरीदा है तो वो भी मंडियों में ही भेज रहा होगा, कहीं वो हवा में नहीं उड़ाएगा उस आलू को, या किसी विदेश नहीं भेजेगा कहीं, वो भी किसी ना किसी मंडियों में ही भेज रहा होगा। तो इसीलिए दोस्तों मैंने ग्रुप में पोस्ट डाली, कुछ कोल्ड स्टोर वालों ने कमेंट किया कि अरे ये तो गलत है, झूठ है। मैंने कि लो मालिक का नंबर, बात करो मालिक से, कोल्ड मालिक से। अगर कोई आदमी ईमानदारी से काम करना चाहता है उसकी टांग खींचने के लिए दुनिया है। अगर उन्होंने किसान अगर अच्छी रेट में आलू किसान का बिक्री करा रहे हैं, ठीक है, एक अच्छी रेपुटेशन बना रहे हैं अपने स्टोर की या उनके कोल्ड स्टोर की, पहले से ही एक अच्छी रेपुटेशन बनी हुई है, तो इसमें बुराई वाली बात क्या है। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया बहुत लोगों को अखरती इसलिए है क्योंकि बहुत चीज़ें ओपन होके खुल के लोगों को पता चल जाती है। ठीक है, कुछ लोग इन बातों को बता देते हैं, कुछ लोग उसको दबा के बैठ जाते हैं, और हमारा काम आप लोगों को अपडेट करने का है। ठीक है, झूठ सच की पुष्टि पर्ची करेगी और कोल्ड मालिक करेंगे, और एकदम सत्य मैंने पहले फ़ोन करके कन्फर्म किया तब अपडेट किया। अब टूंडला में दोस्तों कोल्ड स्टोरों में आलू बिक रहे हैं वही 560-70-80 रुपये तक बढ़िया। अब उस कोल्ड स्टोर में कम से कम 625 रुपये आलू बहुत बढ़िया बिका। खंदौली की अपडेट बताऊं तो खंदौली में कल हमारे मिलने वालों ने 611 रुपये में आलू अपना बेचा है, 621 रुपये में आलू बेचा है, एक आध किसान 641 भी बता रहे हैं कि इस रेट भी शर्मा जी आलू बहुत अच्छे VIP बिक रहे हैं खंदौली में। ठीक है, अब नेक आध 19 होगी जो आलू VVIP क्वालिटी के बिक रहे हैं, और ज़्यादातर आलू 500 से लेकर 550 रुपये तक बिक रहे हैं, और कुछ आलू बिक रहे हैं आपके 400 से लेकर 450 रुपये तक कुछ आलू, तो ये भी रेट बिक रहे हैं आलू क्वालिटी। ये तो बच्चा भी समझ जाएगा, लोग कहते हैं अरे शर्मा जी क्वालिटी का फ़र्क है, अरे यार बच्चे तो सब जानते हैं कि क्वालिटी कैसी है, सब किसान ही है, क्वालिटी ही बिकती है बढ़िया रेट में, ये तो कोई भी बता देगा। जो आलू बहुत ब्रांडेड आलू होते हैं दोस्तों उनकी रेट ही मैं बता रहा हूँ, मैं हल्के वालों की नहीं बता रहा हूँ। अब इंदौर की बात करें, मैंने थंबनेल में लिखा है इंदौर में आलू बिक रहा है आपका 850 रुपये कोल्ड स्टोर पर, 800 रुपये बिक रहा है ज्योति आलू, इंदौर वाले किसान एकदम खुश हैं, मन में तसल्ली मिलती है कि वहाँ के किसान कम से कम उनको तो कम से कम तसल्ली मिली है, वो लोग तो खुश हैं। पर भविष्यवक्ता बहुत से हैं इस समय आलू के बारे में, भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहे हैं, कुछ लोगों को कुछ व्यापारी लोग हैं उन्हें आलू में आगे भविष्य में सस्ता लग रहा है। ठीक है, कुछ लोग क्योंकि तो सही बात तो ये, अगर आप ठोस करके कोई बात नहीं कह पा रहे अरे लग रहा है ऐसा होगा, तो भाई लग रहा है तो तेज़ी भी हो सकती है ऐसा, तो ये भी कहोगे भाई जब तेज़ी भी आ सकती है आलू में, तो सीधी सी बात दोस्तों अपने बुद्धि विवेक से आलू की बिक्री धीरे धीरे करके करते रहिए, किसी के चक्कर में मत पड़ो। जो मत सोचो कि कोई अगर ये कह रहा है कि आलू की बिक्री, तो ऐसा भी मत करो कि सारा आलू एक साथ बेच के बैठ जाओ, और ऐसा ही मत करो कि सारा आलू रोक के बैठ जाओ, अपना बिक्री करो धीरे धीरे करके हर तरह के भाव में, जिससे आगे चल के, पिछली बार भी लोग दोस्तों मंदी चिल्ला रहे थे पर आलू कहते हैं इसका कुछ पता नहीं है भैया, तो हम तो किसान भाइयों से यही कहते हैं भैया रिस्क लो, और रिस्क भी लो और बेचो भी, और धीरे धीरे करके बिक्री करो, ये मत करो कि एक साथ बेचो बाद में कहो शर्मा जी तुम कह रहे थे अरे आलू बेच के बैठ गए 800 रुपये कट्टा आलू हो गया या 900 रुपये कट्टा हो गया, और ये भी मत करो कि रात बाद में 300 रुपये 400 रुपये कट्टा भी अगर हो सकता है, अगर हो गया तो आपने एक दाना नहीं बेचा तो फिर शर्मा जी के ऊपर ठीकरा फोड़ो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ बुद्धि विवेक से अपने, हमारा काम आपको अपडेट करने का है। अब जो न्यूज़ आपको मिल गई टूंडला की कि टूंडला में आलू VVIP 625 रुपये तक बिका है, ठीक है, इससे ऊंचा बिकेगा तो तुम्हें तुरंत फेसबुक ग्रुप में आपको पर्ची मिलेगी, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो जितने भी हमारे कोल्ड स्टोर मालिक हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कम से कम ऐसी व्यवस्था बनाए कि और लोग भी बिक्री। अब जैसे श्री जी कोल्ड स्टोर वाले दोस्तों इनका हमेशा से ये रहा है कि इनके यहाँ सबसे अच्छा महंगी रेट आलू बिकता है, ये लोग किसान भी बताते हैं। ठीक है,
कुछ अब हर आदमी को तो हर आदमी नहीं संतुष्ट कर सकता, पर कुल मिला के जो उनने बिक्री बढ़िया हुई तो हम तो उनकी सराहना करेंगे सीधी सी बात, क्योंकि हमें पर्ची मिली, हमने आप सब लोगों को अपडेट किया। ठीक है, अब बात करें दोस्तों आसाम की, तो आसाम की मैं अपडेट दे दूं दोस्तों, तो आसाम में स्थिति ये है इस समय कि 8 दिन से लगातार बारिश हो रही है। मेरी सुबह गुवाहाटी बात हुई, गुवाहाटी मंडी में भी दोस्तों सुधार है और मंडी स्थिर बनी हुई है और आगरा के आलू की अच्छी डिमांड है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ एक और मैं बताऊँ आप सब किसान भाइयों को कि करीब 8 दिन से तो बारिश हुई है, तो आसाम में जो सब्जी लगती है हरी सब्जी उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। इस वजह से आलू की डिमांड में भी थोड़ा सा सुधार हुआ है और हरी सब्जी दोस्तों ख़राब हो जाती है, बारिश ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिक पानी भर जाते हैं, फंगस आ जाता है, सोरट्टे और कुछ स्वाद भी चला जाता है हरी सब्जी में। जैसे ही अगर ऊपर से बारिश हो जाती है तो लौकी तोरी का स्वाद चला ही सही जाता है, एकदम पनीली पनीली सी हो जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले एक और बात, फिर उसके बाद भाव बता के वीडियो को एंड। बंगाल में ही बारिश हो रही है, 27 तारीख बारिश बताई जा रही है, कल 6 बजे से दोस्तों बंगाल में बारिश हो रही है, अच्छी बारिश हो रही है, आलू की डिमांड बढ़िया है, कोल्ड स्टोरों में से निकासी अच्छी हो रही है। ठीक है, यह है बंगाल का अपडेट। अब हम और लगभग 20 रुपये की तेजी है कोल्ड स्टोरों के आलू में दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे आलू दोस्तों 700, अभी मैं भाव बताऊँगा, 700-720-730 रुपये तो बिकी रहे हैं कोल्ड स्टोरों पर आलू, अच्छी बिक्री वाले कोल्ड स्टोरों में निकासी अच्छी चल रही है इस समय। जिन कोल्ड स्टोरों में टूंडला की भी बात करें, जिन कोल्ड स्टोरों में बिक्री अच्छी हो रही है, जिन कोल्ड स्टोरों में आलू अच्छे रेट बिक रहा है, उन कोल्ड स्टोरों में किसान ज़्यादा जा रहे हैं और आलू की बिक्री बहुत अच्छी रेट में कर रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अपने सिरसागंज साइड की, तो वहाँ पे भी आलू दोस्तों बहुत बढ़िया 600 रुपये तक बिक रहे हैं, हल्की क्वालिटी के आलू 500-400 से लेकर 550 रुपये बिक रहे हैं, हाइब्रिड आलू वही बिक रहे हैं 550 से लेकर 550 रुपये, बहुत अच्छे VVIP। तो मैं जिन कोल्ड स्टोर वालों, जिन कोल्ड स्टोरों में बिक्री अच्छी नहीं करा रहे हैं, जिन कोल्ड स्टोरों में कोल्ड स्टोरों वालों ने व्यापारियों के साथ साठगांठ कर ली है, वो लोग कम से कम अपने यहाँ बिक्री अच्छी कराएं, जिससे अगले साल किसान तुम्हारे यहाँ भगते हुए आएँ आपका व्यवहार देख के। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे और निकासी भी अच्छी हो, नहीं तो निकासी का ठीक रहा आप तो या तो यूट्यूब चैनल वालों पर फोड़ोगे कि इनने नहीं होने दी, या किसी पड़ोसी पर फोड़ोगे कि इसने नहीं होने दी, या पर्ची डालने वालों पर फोड़ोगे कि इनने पर्ची डाल डाल के आलू की निकासी नहीं होने दी। ठीक है, पर अपने गलेवान में झाँक के अंदर नहीं देखोगे कि हम बिक्री अच्छी कराएं तो निकासी बढ़िया हो। ठीक है, अब बात, क्योंकि दोस्तों पर्ची वायरल होने से लोग ये कहते हैं कि पर्ची वायरल होंगी तो किसान रुक जाएंगे, तो क्या करें, फ्री में बेच दें आलू को अपने को, बताओ आप मुझे। जब किसी कोल्ड में 625 रुपये VIP आलू बिक रहा है, तो जिसके पास VIP आलू है वो 625 से कम कैसे बेच देगा, ये भी सोचने वाली बात है। बात करें बेंगलोर मंडी की दोस्तों, आज 26,000 कट्टे हैं, थोड़ा सा मंडी में डाउन है, एक्सेस पर आलू बिका है 15-16 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 13-14 रुपये किलो। बात करें नागपुर मंडी की, तो 25 गाड़ी की आ जा रहा है, एक्सेस पर आलू 13-14 रुपये किलो तक बिक रहे हैं, हल्की क्वालिटी के 11-12 रुपये किलो, और ज़्यादा हल्के 7-8 रुपये किलो बिक रहे हैं, गुल्ला बिक रहा है 9-10 रुपये किलो, और हल्की क्वालिटी के गुल्ले 7-8 रुपये किलो। बात करते हैं चेन्नई मंडी की, तो 18 गाड़ी की आज दोस्तों अवेलेबल है, और एक्सेस पर आलू 16-17 रुपये किलो तक बिके हैं आज, VVIP हल्की क्वालिटी के 14-15 रुपये किलो। और अब बंगाल की बात कर लेते हैं, तो बंगाल में दोस्तों बारिश हो रही है, मौसम है ठंडा, और एक्सेस पर जो आलू है कलकत्ता वाले, कलकत्ता स्टाइल वाले बहुत बढ़िया आलू 700-730 रुपये बिक रहे हैं, 50 किलो के दोस्तों ये भाव हैं, हल्की क्वालिटी का बिक रहा है 650-670 रुपये, और गड्ढ बिक रहा है 580-590-600 रुपये तक, गड्ढ आलू में भी 20-30 रुपये की तेजी है दोस्तों, 50 किलो के भाव में, और डिमांड अच्छी है, निकासी भी बहुत बढ़िया है बंगाल में। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों पूना मंडी की, तो 25 गाड़ी की आ जा रहा है वाले, पिछले भी हफ्ते में 30-35-40-40 गाड़ी मंडी में थी, और एक्स्ट्रा सुपर आलू 13-14 रुपये किलो बिक रहा है, हल्की क्वालिटी का 10-11 रुपये किलो दोस्तों बिक रहा है पूना की मंडी में। बात करें कानपुर की, तो 40 गाड़ी की आज दोस्तों अराइवल है, एक्स्ट्रा सुपर आलू और कानपुर मंडी में आज कम से कम मान लो तो 50 रुपये की तेजी है। हॉलैंड आलू में तेजी, हॉलैंड आलू 10-11 रुपये 11.5 रुपये किलो तक बिक रहे हैं, VVIP हल्की क्वालिटी के 9-10 रुपये किलो, मोटा गुल्ला बढ़िया मोटी टपक्का 8-8.5 रुपये किलो बिक रहा है कानपुर में, हल्की क्वालिटी का 6-7 रुपये किलो, मोटा आलू छट्टा जिसको बोलते हैं वो बिक रहा है 9-10 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 8-9 रुपये किलो बिक रहे हैं दोस्तों कानपुर मंडी में, और 40 गाड़ी की दोस्तों अराइवल है। बात करें मदुरई मंडी की, तो मदुरई में दोस्तों जो आलू VVIP 625-640 बिक रहे हैं दोस्तों, ये आलू सब मदुरई तिरछी और इन्हीं मंडियों में जाते हैं, साउथ की काफी मंडियां हैं। अब व्यापार जो कर रहे हैं भाई वो हर तरह का जानकारी भी रखते हैं, हम लोगों के पास भी इतनी प्रॉपर जानकारियां नहीं आ पाती हैं। मदुरई में जो एक्सेस पर आलू है 18-19 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी के 16-17 रुपये किलो बिक रहा है, और VVIP आलू तिरछी की बात करें तो 17-18 रुपये किलो बिक रहे हैं, हल्की क्वालिटी के 15-16 रुपये किलो। गुवाहाटी की दोस्तों बात करते हैं, तो लगभग एक हफ्ते से यहाँ पे बारिश हो रही है, आसाम में लोकल सब्जियों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और आगरा का आलू एक्स्ट्रा सुबह 16-17 रुपये किलो बिक रहा है, हल्की क्वालिटी का 14-15 रुपये किलो, और फरुखाबाद का आलू 15-15 रुपये किलो और हल्की क्वालिटी का 13-14 रुपये किलो, बंगाल का आलू 12-13 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10-11 रुपये किलो बिक रहा है दोस्तों गुवाहाटी की मंडी में।
बात करते हैं जोधपुर मंडी की, तो 10 से 11 गाड़ी है। एक्स्ट्रा सुपर आलू 11.5 से लेकर 12 रुपए किलो बिक रहा है। हल्की क्वालिटी का 10 से 11 रुपए किलो बिक रहा है। दो दिन से बारिश बंद हुई है। बाकी दोस्तों आज दो दिन से लगातार बारिश दो तीन दिन से हो रही थी वहाँ पे, आज थोड़ा सा मौसम खुला हुआ है। बात करते हैं दोस्तों इंदौर मंडी की, तो इंदौर में आलू एक्स्ट्रा सुपर बिक रहा है आपका ज्योति 16 से 17 रुपए किलो। हल्की क्वालिटी का 14 से लेकर 15 रुपए किलो तक बिक रहा है। चिप्सोना 14 से लेकर 15 रुपए किलो बिक रहा है। हल्की क्वालिटी का 10 से 12 रुपए किलो बिक रहा है। और कोल्ड स्टोरों में भी लगभग दोस्तों यही भाव चल रहे हैं आलू के, और बढ़िया आलू की अच्छी डिमांड है और आलू अच्छी रेट बिक रहे हैं। ठंडी हवा बढ़िया चल रही है, मौसम एकदम ठंडा है, इसलिए आलू की डिमांड बहुत बढ़िया है। मैं एक वो देख रहा था कि जयपुर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक पकौड़ा बेचने वाली एक दुकान है और विक्रेता, उन्होंने दो दिन के अंदर जाने 60 लाख जाने 70 लाख रुपए का पकौड़े बेच दिए। वहाँ मिर्ची वड़ा और आलू के पकौड़े बनते हैं दोस्तों। तो दो दिन के अंदर आप समझ रहे हैं, दो दिन के अंदर वहाँ पूरे मतलब चार पांच दुकान है किसी मार्केट में, उन्होंने 60 से लेकर 70 लाख रुपए के पकौड़े बेच दिए ठंडे मौसम होने के कारण। तो ये एक मैंने अखबार की एक कटिंग पढ़ी, अखबार में देखा, तो मैंने कि आप लोगों के साथ साझा कर दूं। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे ये होता है दोस्तों ठंडे मौसम में आलू की डिमांड बढ़ती है, ये स्वाभाविक है। जो पैकारी मंडी में आड़ती है, जो बताते हैं राजस्थान की मंडी में मेरी बात हुई तो मुझे कहते हैं जो पैकारी 10 से लेकर 11 कट्टे लेके जाते थे डेली, वो कम से कम 25-25, 22-22 कट्टे लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों ऑटोमेटिक ठंडे मौसम में डिमांड बढ़ती है और लोगों का मन करता है कि आलू को खाएं। तो हम उम्मीद यही करेंगे कि आलू की डिमांड बढ़े जिससे सभी किसानों को भला हो। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों का दिन शुभ हो।